सरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की ढेरों शुभकामनाएं दी। आज हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, टीआरआर के दो आतंकी ढेर। आज हरिद्वार और किच्छा का दौरा करेंगे राहुल गांधी। आज अलीगढ़ और मथुरा में चुनाव प्रचार करेंगे सपा चीफ अखिलेश यादव। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। आगामी चुनावों को देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने भी जनसभा का संबोधित करते हुए शुरू किया और इसी कड़ी में मायावती ने सहारनपुर दौरे पर गई, जहां वो नागल रोड पर टपरी के मैदान में जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आई। इस दौरान मायावती के साथ पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और आकाश आनंद भी मौजूद रहे। वहीं मायावती के आगमन से पहले बसपा जिलाध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद ने बताया कि ये जनसभा मंडल स्तर पर होगी। खबर औरैया से है, जहां के बिधूना में द्वारिका प्रसाद महाविद्यालय में आयोजित सार्वजनिक सभा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की राज्यपाल की सांसद गीता शाक्य ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार में सार्वजनिक समाज के हित में कार्य किए जाने के साथ कानून का राज कायम हुआ। इस मौके पर हाल ही में सपा छोड़कर भाजपा में आए मुलायम सिंह यादव के साड़ू पूर्व विधायक प्रमोद कुमार गुप्ता अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अपने पिता और चाचा का ना हुआ वो किसका होगा। साथ ही इस मौके पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक, पूर्व विधायक शिवप्रसाद यादव, अनिल गुप्ता और सिंगर आदि भाजपा नेताओं ने भी संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी रिया शाक्य को जिताने का लोगों ने आह्वान किया। जहां देवबंद थाना के मोहल्ला पठानपुरा में पालिका अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी ने बसपा छोड़ सपा का दामन थामने के बाद समर्थकों की बैठक बुलाई थी, जहां आतिशबाजी करने को लेकर दो राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। जबकि इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले के बाद एक पक्ष के लोगों ने कोतवाली पहुंचकर मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने गुप्त नवरात्र के मौके पर मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करते हुए जीत का आशीर्वाद लिया। वहीं पूर्वांचल की सीट बंटवारे पर डिंपल ने कहा कि जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सीट का बंटवारा किया जा रहा है और सारी चीजों को देखते हुए सीटों का बंटवारा किया जाएगा। हम जानते हैं वेस्टर्न यूपी में तो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो पूरी 80-50 सीटें तक जीतने वाला है इस बार। तो मैं समझती हूँ जैसे चरण आगे बढ़ते जाए। कौशाम्बी जनपद के 253 चायल विधानसभा से अपना दल एस और बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी और फूलपुर विधानसभा से पूर्व सांसद नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल द्वारा चायल के साईनाथ आईटीआई कॉलेज में दीप प्रज्वलित कर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं और सभी पदाधिकारियों ने उनका माला पहनाकर जोर शोर से स्वागत किया और सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चायल प्रत्याशी नागेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि प्रदेश में योगी जी की सरकार में जो चौमुखी विकास हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। साथ ही साथ उन्होंने चायल की जनता का धन्यवाद देते हुए भी चायल की जनता हमारे साथ है और हम इस बारे में बहुमत से प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बता दें कि इस मौके पर तमाम पार्टियों के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। चायल 253 विधानसभा से अपना दल इस गठबंधन से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, किन मुद्दों के लेकर चायल विधानसभा में आप जनता के बीच में आएंगे? भारतीय जनता पार्टी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इतने सारे काम किए गए हैं विकास के कि अब कोई मुद्दा बचा नहीं है जिले में। तमाम अस्पताल बन रहे हैं, तमाम सड़कें बनी हैं और निश्चित ही जो कुछ बचा होगा विकास कार्य आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आदरणीय योगी जी देश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो भी विकास कार्य बचे हुए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और यहाँ के ही डिप्टी सीएम हैं इसी गृह जनपद के आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी विकास की नदी बहाए हैं यहाँ पर, तो निश्चित ही विकास के नाम पर ही जनता भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन अपना। खबर सुल्तानपुर से है जहां कादीपुर विधानसभा में बसपा ने 3 बार विधायक रहे भगेलू राम ने सपा में शामिल होने के बाद आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान भगेलू राम ने मीडिया से बातचीत के दौरान बसपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बसपा से वो 3 बार विधायक रहे, इस दौरान वो किसी कार्यक्रम में थोड़ा बहुत पैसा देते थे लेकिन अब बसपा में करोड़ों रुपए लेकर टिकट देने की मांग होने लगी, तब उन्होंने बसपा छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। तो बसपा में गंभीर आरोप गाते हुए नजर आए हैं 3 बार विधायक रहे बसपा के नेता, उन्होंने अब सपा का दामन थाम लिया है और सपा के टिकट पे ही लड़ेंगे। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होगा क्षेत्र का विकास होगा, गरीबों के लिए और जो हमारे जो दबे कुचले हैं उन लोगों के विकास के लिए और जो हमारा आवारा पशु टहल रहे हैं उनसे किसानों को निजात पाने के लिए। आज किसान परेशान है, गरीब परेशान है, ये सब हमारा मुद्दा होगा। कादीपुर विधायक ने कल एक मुकदमा दर्ज कराया है, क्या है ये मुकदमा? ये राजनीतिक मुकदमा है, ऐसा कोई मुकदमा नहीं है, ये राजनीतिक मुकदमा है। वहाँ उसको स्टंट पकड़ा है बीजेपी वाले, जानबूझ के ऐसे मुकदमे कराते हैं केवल बदनाम करने के लिए कि सपा को बदनाम किया जाए, उनके मूल वोट यादव को बदनाम किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब घटना के सत्र तक जानकारी करा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष कहता है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, ये बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा तो भाजपा में गुंडे हैं, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए ना। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की तिलोई विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद नईम ने ईदगाह मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की, उसके बाद वो मुख्यालय पहुंचे जहां निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। मोहम्मद नईम ने कहा कि सपा सारी विधानसभा सीटें इस बार जीत रही है, समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों के आधार पर चुनाव जीतने का काम कर रही है, पिछले विधायक ने जो भी काम किए हैं वो सब देख रहे हैं, किसी को बताने की कुछ जरूरत नहीं है। चुनौतियाँ तो जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है सबके सामने रहती है, सब लोग जो है अपनी अपनी मेहनत करते हैं और संगठन के जरिए, और आप लोग देख रहे हैं कि अखिलेश जी जिस मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं और लोगों को प्रभावित किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए मैं ये बात कहूँ कि चुनौती किसी से भी नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है
खबर अमेठी से है, जहां सेना से वीआरएस लेने के बावजूद पूर्व सैनिक ने वर्दी पहनकर जमीन के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। सैनिक के मुताबिक उसने साल 2013 में एक जमीन खरीदी थी, जिसके बावजूद सैनिक को आज तक जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। इसको लेकर अब सैनिक ने हथियार और सेना की वर्दी पहनकर पीएम और सीएम से ट्वीट कर अपील की है। मैं हवलदार विनोद कुमार तिवारी, विलेज पोस्ट ठंगाहा, तहसील अमेठी, जिला अमेठी का रहने वाला हूं। मेरे दो बेटियां हैं। मैं 2013 में एक ज़मीन लिया था ककवा रोड अमेठी में, ताकि मैं अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाई अच्छी से करा सकूं और अच्छी शिक्षा दे सकूं। मैं दो बार अपना मकान बनाने की कोशिश किया, लेकिन भूमाफियाओं के द्वारा गिरा दिया गया। इस बार अपना मकान बनाया जाऊँगा तो मेरी हत्या भी हो सकती है। मैं SDM साहब को पत्र दिया, DM साहब को भी पत्र दिया, थाना कोतवाली अमेठी में भी पत्र दिया। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 9 साल से आज मैं तहसील का चक्कर काट रहा हूं। मेरे पास बैनामा है, खारिज दाखिल है, लेखपाल कानूनगो तहसीलदार सबकी रिपोर्ट लगी है। ये मेरा मकान गिरा दिया गया था, उसका फोटो भी है। मेरे बच्चे 9 साल से किराए के मकान में कैदी की तरह जीवन काट रहे हैं। कोरोना काल में मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे कोरोना से ग्रसित हो गए थे, किसी तरह अपनी जान बचाए थे। प्लीज़ योगी आदित्यनाथ जी और प्लीज़ मोदी जी, अब मेरा माई बाप इस देश के सैनिक का आप ही हो। आपके अलावा कोई मेरा अब सुनने वाला नहीं है। प्लीज़ हमारी मदद किया जाए, ताकि मैं अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा सकूँ और कोरोना काल से बच सकूँ। ये देश का सैनिक हर वक्त अपना गर्दन कटाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन आपके राज्य में योगी आदित्यनाथ जी, देखिए कितना बड़ा अत्याचार एक फौजी के साथ हो रहा है। प्लीज़ इस फौजी को न्याय दिलाइए, ताकि ये अपना गुजर बसर अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सके। उन्नाव के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां एक टैंकर ओवरटेक करने के चक्कर में डायल 112 की गाड़ी पर पलट गया, जिसमें 3 पुलिस कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक पुरुष सिपाही और 2 लेडीज सिपाही की मौत हो गई है। एक सिपाही जख्मी है, जिसको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। यह घटना उन्नाव हरदोई मार्ग पर सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में मेहंदीखेड़ा पुलिस के पुलिया के पास हुई है, और घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गाड़ी पर पड़े टैंकर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आज शाम लगभग 9 बजे सफीपुर थाना अंतर्गत हमारी PRB 2029-08 एक इवेंट से वापस लौट रही थी कि रास्ते में उसका टैंकर से एक्सीडेंट हो गया और टैंकर PRV में पलट गया, जिसमें हमारे विभाग के 3 आरक्षी की डेथ हो गई और एक आरक्षी जो घायल है। ये बहुत ही दुखद घटना है। अग्रिम विधिक कार्य और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, टैंकर ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, जिसके वजह से यह हादसा हो गया, क्या कुछ जानकारी है? देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार की रात का ये हादसा है। दरअसल रात का एक 11वीं गाड़ी खड़ी हुई थी उन्नाव में हाईवे पर, जिसमें 3 सिपाही और एक ड्राइवर की मौत हुई, 3 की मौत हुई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये हादसा तब हुआ जब एक टैंकर अनियंत्रित होकर PRV पर पलट गया, और जितने भी कर्मचारी PRV वैन में बैठे हुए थे वो लगभग सभी दब गए और उनको बाहर निकाला गया। लेकिन जब तक उन्हें निकाला जाता था, तब तक 2 महिला जो PRV जवान थी पुलिस की हो और एक पुरुष सिपाही की मृत्यु पूरे हादसे में हो गई, जबकि एक का जो है वो इलाज चल रहा है, जो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वही पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि 8 बजे डायल 112 की ये PRV जिसका नंबर 2908 है, ये सलेह नगर करौंदी पॉइंट से SR पंप पॉइंट के लिए जा रही थी। वहीं जाटोपुर वजीरगंज के पास हरदोई की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार टैंकर इस पर पलट गया और इस दौरान ही ये पूरा जो हादसा है वो हो गया। नितिन, घायल की हालत इस वक्त कैसी बताई जा रही है? देखिए, घायल की हालत जो बताई जा रही है वो भी बहुत बेहतर नहीं है, वो भी
अभियान जो है वो अभी चल रहा है, लेकिन इसके हादसे में दो जवान महिला आरक्षी और एक पुरुष महिला एक पुरुष आरक्षी इन तीनों की जो मृत्यु है वो हो गई है और ये तीनों सियासी है अभी हादसा हुआ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। खबर सोनभद्र से है जहां दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खजूरी में बिजली के खंभे में जमीन में लगी सपोर्ट वाटर में एलटी लाइन करंट आने से 4 वर्षीय बच्ची बेहोश हो गई, जिससे आनन फानन में परिजनों ने सीएचसी में भर्ती कराया जहां पे डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले पर ग्रामीणों ने बताया कि तार बदलने को लेकर कई बार विभाग से शिकायत की गई लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रधान जी, आज आपके गांव में एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है, क्या क्या मामला था? मेरे गांव में आज 4 वर्ष का बच्चा एक्सपायर किया है वार्ड नंबर 3 में। क्या हुआ था, कैसे हो गया? वो करंट लगने से मरा है। बिजली विभाग को कई बार सूचना दी गई लेकिन वो सुने नहीं। आज कैसे, मतलब क्या हुआ बच्चे का? ये सुबह 1:30 बजे करीब बच्चा बाहर खेल रहा था और घर से थोड़ी सी दूर 10 मीटर पे पोल थी, 5-6 मीटर लगभग पोल थी, मीटर 6 मीटर पे पोल थी और बच्चा वहीं पोल के पास खेलने लगा और जो पोल का स्टे तार था उसी से करंट उतर रहा था और बच्चा स्टे तार छूते ही बच्चा वहीं पे गिर पड़ा और एक्सपायर। खबर बांदा से है जहां अनियंत्रित लोडर ने 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को लेकर जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर पहुंची जहां डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, दूसरे का इलाज जारी है। अभी एक एक्सीडेंट का मामला आया था, क्या था पूरा मामला? एक्सीडेंटल आरटीओ केस आया हमारे पास में, एक अज्ञात व्यक्ति 45 साल का, उसको ब्लड टेस्ट लाया गया है पुलिस द्वारा और दूसरा केस है इसी के साथ में एक राम किशोर है 38 साल का, सीरियस अवस्था में भर्ती कराया गया है, भर्ती करके उपचार दिया जा रहा है। कुछ कहाँ के रहने वाले कुछ मालूम? ये खाई पार मामला के हैं। अच्छा, 2 लोग आए हैं, एक की मौत है, एक के उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? नाम कांस्टेबल रोहित कुमार। रोहित कुमार जी, ये बताइए कहाँ पे एक्सीडेंट घटना हुई और कहाँ कौन लोग थे? ये घटना बाबूलाल चौराहे पे हुई है, ब्रिज के नीचे। कहाँ से? एक पिकअप आ रही थी, लड़का चला रहा था, उसने मार दी। कौन लोग हैं? ये बताया जा रहा है राम किशोर सनोफ टेटरा जो कि खाईपार निवासी है। ये दूसरा? दूसरा जिसकी मृत्यु हो गई है वो संतु सनोफ। तो अनियंत्रित लोडर ने टक्कर मार दी जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उसमें से एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बांदा से खबर सामने आ रही है जहां हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता रिजवान जुड़ चुके बांदा से। रिजवान, क्या है पूरा मामला, कितने बजे की घटना है? ये तकरीबन बताना चाहूंगा आपको, तकरीबन जो है 7 से 8 बजे की घटना है जी। बांदा जिले के बाबूलाल चौराहे में जोरदार फोर व्हीलर गाड़ी जो है तेज रफ्तार गाड़ी आके एक दुकान में घुस गई जहाँ पे रिक्शा पर वहाँ रहे 2 लोगों के ऊपर चढ़ गई है जी, जिस वजह से 2 लोग घायल हो गए। रिजवान, जो घायल व्यक्ति है उसकी हालत इस वक्त कैसी बताई जा रही है? जिसमें 2 लोगों में डॉक्टरों ने देखते ही साथ एक को मृत घोषित कर दिया, एक का उपचार जारी है जिसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। रिजवान, किस जगह पे ये घटना हुई और जिस तरह से ये घटनाएं देखने को मिलती है तेज रफ्तार की, इस पे प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है, किस तरह से इसकी रोकथाम के लिए कदम उठा रहा है? घटनाएं जो हो रही है मैडम, इसमें जो है मैम प्रशासन जो है तो काफी अलर्ट है, लेकिन जो है आदमी नशे के उसमें जो है ये घटनाएं करता है, दारू पी के गाड़ियां चलाता है और तेज रफ्तार जो है उनको कंट्रोलिंग नहीं कर पाता है और जाके ये घटनाएं होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रिजवान खान जुड़े थे बांदा से।
खबर सोनभद्र से है, जहां दुद्दी में बीते दिनों एक विकलांग युवक की हत्या का खुलासा एसपी ने किया। इस दौरान एसपी ने बताया कि मृतक की पत्नी ने घर में गला दबाकर विकलांग पति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसपी ने बताया कि घटनास्थल का जायजा लेने के बाद और मृतक के बेटे के बयान के आधार पर ही इस हत्याकांड का खुलासा किया गया है। दो बटा तीन की रात्रि में दुद्दी में एक युवक की हत्या हुई थी, राजीव श्रीवास्तव, और इसकी सूचना हम लोगों को यूपी 112 पे 4:02 पर जो मृतक है उसकी पत्नी के द्वारा दी गई थी। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि तीन बदमाश चेहरा ढक कर के कमरे में आए और मुझे और मेरे पति को मारा और भाग गए और उसमें मेरे पति की मृत्यु। तो ये इवेंट जो है, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और जब इसकी छानबीन की गई तो ये ज्ञात हुआ कि घटना का समय 10:30 से 11 बजे रात था और उसमें काफ़ी विलम्ब भी था सूचना देने में। तो तभी से ये महिला जो थी वो उनकी पत्नी संदेह के दायरे में थी और उनके जो प्रश्नों के जवाब जो दे रही थी उसमें भी तालमेल नहीं था। और ये उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।